नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल संजीव कुमार व्लॉग। तो दोस्तों, मैं अभी इधर बहादुरपुर से आ रहा था। फिलहाल कई जगह पे बारिश हो रही है आज, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे धान भी नहीं लगा कई खेतों में, और मुंबई में तो बहुत तगड़ा बारिश हो रही है, बोले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही, जैसा लगता है कि बादल रूठ गए हैं, मेघा बरस नहीं रहे हैं, मेघा रूठ गए हैं पता नहीं क्यों। और किसानों का बहुत बुरा हाल है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी कई लोगों ने धान भी नहीं लगाया है। वो जो 15 जुलाई का टाइम है वो भी निकलने वाला है, जो धान लगाने का टाइम होता है। देख सकते हैं एकदम मौसम एकदम साफ, कहीं भी बादल नहीं है। देख सकते हैं इधर है थोड़ा सा, ये पता नहीं कौन सा आकार में बना हुआ है, तो आगे दिखाते हैं अभी। वाओ, व्हाट ए सीन, ये हरी भरी धरती और ये नीला आसमान, ये ठंडी ठंडी हवा, और इसका मजा ही कुछ और है। यहाँ आकर के ये नज़ारा देख करके दिल बाग बाग हो गया है। इस तरह से कहाँ हरियाली शहर में मिलती है, इस तरह नेचुरल हवा कहाँ शहर में मिलती है। अब ये गांव ही बचे हैं यहाँ पे, इतनी सुंदर हवा मिलती है, एकदम प्योर ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और आज हम खेतों में ये यूरिया है जो कि हमारे धान के खेतों में हमें डालना है। और हमारा जो धान है लगभग 15 दिन पुराना हो चुका है लगे हुए, मतलब अभी लगाया गया था 15 दिन हो गया, अभी इसकी एज जो हुई है 15 दिन की हुई है। तो अभी इसमें हम यूरिया डालेंगे, क्योंकि ये जो खेत है देख रहे हैं, ये खेत का जो पेड़ है इसकी ग्रोथ बढ़ जाए। और इसमें अभी पानी भी पड़ेगा, अभी ये सूखा है, कहीं कहीं पानी भी है, तो मैं खाद डालने वाला हूँ आज। तो सावन का मौसम आने वाला है एक महीने बाद, और झूला भी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो झूले वाला हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे। वीडियो होता है या वीडियो होता है, व्हाटएवर, कुछ भी। हवा मस्त चल रही है, पीछे देख सकते हैं पूरा हरी भरी धरती। एक गाना बना था, धरती सुनहरी अंबर नीला, हाँ धरती धरती हरी है अंबर नीला है, अंबर मतलब आकाश, बोले तो आसमान बादल, इतना तो समझते ही हूँ। तो हम अभी सुबह गए थे एक जगह तालाब था, वहाँ पे लोग मछली मार रहे थे, मतलब पकड़ रहे थे, और वहाँ की हमने एक वीडियो बनाई थी। वहाँ पे एक मछली थी, बहुत अजीब तरह से थी, एकदम सांप की तरह से। तो अभी हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, तब तक हम खेत में डाल देते खाद, जो कि कैसे डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं ये यूरिया खाद है, और इसमें हम डालने वाले हैं, ये लगभग 15 किलो यूरिया है, और इसमें हम डालने वाले हैं ये मेंथा है, जो कि ये जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी दवा होती है। ये हमारे पास 2 पैकेट है, और ये एक पैकेट है लगभग 500 ग्राम का, देख सकते हैं। और मेरा ये 10 बिस्सा खेत है, 10 बिस्सा बोले तो आधा बीघा। हम ये खाद अभी इसमें डालेंगे, और नहीं, ये दवा इसमें डाल देंगे, मिलाएंगे ये यूरिया में, उसके बाद डालेंगे। देख सकते हैं ये मेंथा जो पाउडर था ये हमने डाल दिया है, और ये इस तरह से है, इसको भी इसमें मिला देंगे। और हमारे पास वो कुछ है तो नहीं है जो तसला वगैरह होता है, तो हम इसी बोरी में करके डालेंगे, मिला लेंगे हिला हिला के। और ये जो दवा होती है ये मेंथा, देख सकते हैं ये एक तरह से बोन बीटा का काम कर रही है यहाँ पे इस पौधों में, धान की खेती, धान के जो पेड़ हैं उनके जो पौधे होते हैं। ये हवा ज़्यादा चल रही है, मेरे बाल देखो, तो ये एकदम बोन बीटा के बीटा का काम कर रही है।
देख सकते हैं कि इंडिया में खाद इस तरह से पड़ती है, वैसे छोटे छोटे खेत होते हैं तो खाद पड़ती है, देख सकते हैं। ये यूरिया है, इसमें वो जो हमने मेंथा डाला था उसका उसी के कलर येलो कलर का हो गया है, तो देख सकते हैं। चाहिए लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि ये दवा है जो स्मेल नहीं करती है, इसलिए ज्यादा नुकसान करती है नहीं, जब इसको नाक से सूंघोगे तभी नुकसान करेगी, तो हम बिल्कुल थक चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हमारा ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं डेली, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।